Assalamu alaikum, I'm Asif Khan and topic for today's video is how to ungate your category. For that I need to explain ke pehle ungating or gated categories hoti kaun si hain. So being a new seller, jab aap apne kisi product ko list karne jaate hain to some of the categories like beauty, grocery and toys and games, theek hai, so they are gated for the new sellers. आप लोगों को पहले इसको अनगेट करना पड़ता है. अब अनगेटिंग के रास्ते कौन कौन से हैं? देयर आर टू वेज टू अनगेट योर कैटेगरी. वन इज टू हेड ओवर टू दी फनल गुरु डॉट कॉम एंड दे विल चार्ज यू अराउंड $900 फॉर अनगेटिंग योर कैटेगरी. तो कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ अस $900 जस्ट फॉर अनगेटिंग आवर कैटेगरी नहीं अफोर्ड कर सकते. सो देर इज़ अनदर मेथड जैसे आप अपनी कैटेगरी को अनगेट कर सकते हैं. सो जब आप कैटेगरी आपके लिए गेटेड होती है तो आपको कैसा जो है पेज शो कर रहा होता है. सो इट विल लुक लाइक दिस. जब आप अपनी कैटेगरी को देखेंगे, अप्लाई टू सेल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक पेज आएगा. सो अमेजोन आपसे रिक्वायर कर रहा है या आपके पास ब्रांड की ऑफिशियल एक इनवॉइस हो जो कि आपको ब्रांड ने प्रोवाइड किया आपको प्रोडक्ट्स परचेज करते हुए, या आपके पास रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस हो. सो फॉर एग्जांपल वी आर डूइंग प्राइवेट लेबल या होलसेल हम लोग कर रहे हैं. वेरी न्यू स्टार्ट है हमारा, हमारे पास अभी ब्रांड के अप्रूवल नहीं है. सो हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर जो कि ईजिली अप्रोचेबल है उसकी इनवॉइसेस से भी हम लोग अपने आप को अनगेट कर सकते हैं. सो हम लोग यहाँ पे रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करेंगे. अब देयर आर सम पॉइंट्स वी नीड टू नोट डाउन विच इज कि इनवॉइस जो है आपकी 6 मंथ से पहले की हो, 6 मंथ बिफोर 6 मंथ वो इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा. इंक्लूड्स योर नेम एंड एड्रेस मैचिंग द इन्फॉर्मेशन इन योर सेलिंग अकाउंट. अब आपकी इनवॉइस के ऊपर जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, यू शुड मेक श्योर कि वो जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपके अमेजोन अकाउंट के साथ मैच कर रही हो. सो इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर. जो आपकी इनवॉइस है उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस मैंशनड हो एंड नेम भी. सो शो द कम्बाइंड परचेज ऑफ एटलीस्ट 10 यूनिट्स. देखें अमेजोन की रिक्वायरमेंट है आपकी कैटेगरी अनगेटिंग के लिए कि आप एटलीस्ट 10 यूनिट्स की इनवॉइस 10 यूनिट्स को परचेज करें और उसके अगेंस्ट जो आपकी इनवॉइस होगी वो इसके अंदर सबमिट करवाएं. सो अमेट प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन दिस इज ऑप्शनल. प्लीज नोट दैट वी मे वेरीफाई योर सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन बाय कंटेक्टिंग प्रोडक्ट वेंडर्स यू आइडेंटिफाई इन योर एप्लीकेशन. लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि मैंने इससे 10 यूनिट्स परचेज किए हैं, और इनफैक्ट लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने 10 यूनिट्स उससे परचेज नहीं किए होते. यू हैव लेट्स से ऑल्टर्ड योर इनवॉइस जो कि आपने एक्चुअली आपके नेम पे थी, नहीं किसी और के नेम पे थी. सो इट्स पॉसिबल अमेजोन उसको कॉल करके आपकी इनवॉइस के साथ उसकी कंफर्मेशन करे कि वेदर आपके नेम पे ये इनवॉइस है या नहीं. सो प्लीज़ डू नॉट मैनिपुलेट योर इनवॉइसेस. जो इनवॉइसेस लीजिट हैं खाली वही प्रोवाइड करें यहाँ पे. सो नीचे आने के बाद आपको मज़ीद अमेजोन कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगेगा जिसके अंदर द पिक्चर यू मस्ट प्रोवाइड विद फोटोग्राफ्स ऑफ द फिजिकल प्रोडक्ट रैदर देन कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस. अब Amazon आपसे जो invoices हैं आपकी, जो उसके अगेंस्ट आपने कुछ प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, Amazon उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स भी आपसे जो है ना मांग रहा है. सो दोज पिक्चर्स ऑल्सो हैव अ रिक्वायरमेंट जो Amazon आपसे रिक्वायर कर रहा है. आपने वो सारी मेक श्योर करनी है कि वो फुलफिल कर रहे हो आप Amazon की रिक्वायरमेंट को. दीज पिक्चर्स मस्ट शो ईच साइड ऑफ द प्रोडक्ट और इट्स पैकेजिंग. ऑल लेबल टैक्स इंक्लूडिंग द इंग्रीडियंट्स लिस्ट्स इफ एप्लीकेबल मस्ट बी विजिबल, ईजी टू रीड एंड सिक्योर टू द प्रोडक्ट और इट्स पैकेजिंग. आप एक सिंपल तरीका यूज़ कर सकते हैं. वो तरीका ये है कि जब आप एक प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट को अपने प्रेप सर्विस से या जिसके पास भी आपके प्रोडक्ट से आप पिक्चर्स बनवा रहे हैं तो मेक श्योर करने वो 4 डिफरेंट साइड से आप उसकी पिक्चर्स बनवा रहे हो, एंड अप साइड से एंड लोअर साइड से आपकी टोटल 6 पिक्चर्स होंगी. तो ये सारी की सारी पिक्चर्स आप अमेजोन को प्रोवाइड कर दें, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल. और मेक श्योर उसके ऊपर जो टैक्स सारा का सारा रिटर्न है वो क्लियरली रीडेबल हो, उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चर बार कोड हो वो क्लियरली विजिबल हो. सो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. द पिक्चर्स मस्ट इंक्लूड द नेम एंड फिजिकल लोकेशन ऑफ द बिजनेस और मैन्युफैक्चर ऑन द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लेबल. Important label information such as warning directions for use must be in the local language for the country or region you are applying to sell in. So, for example, आप लोग US के अंदर सेल करना चाह रहे हैं और आपकी जो प्रोडक्ट आपने चूज़ किया उसके ऊपर सिर्फ उर्दू लैंग्वेज लिखी हुई है तो Amazon वो पिक्चर्स आपके एक्सेप्ट नहीं करेगा और इवेंचुअली आपकी कैटेगरी को अनगेट नहीं करेगा. सो
यहाँ पे नीचे आने के बाद आप अपनी ईमेल दे सकते हैं, जिस ईमेल के थ्रू आपको अमेज़न वेरीफाई करेगा कि आपकी कैटेगरी अनगेट हो गई है या नहीं हुई। सो दैट इज़ बेसिकली हाउ यू अनगेट योर कैटेगरी। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि कैसे आप अपनी कैटेगरी अनगेट करें और कौन सा आप प्रोडक्ट चूज़ करें। सो देर आर सेवरल वेबसाइट जिससे आप अपनी कैटेगरी, अपने बेसिकली जो रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी मैन्युफैक्चरर की इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट। जब आप लोग बेसिकली इस तरह करेंगे तो क्या होगा कि लेट्स से फॉर एग्जांपल 50-60 डॉलर्स आपकी कॉस्ट आई, एंड इफ़ प्रोडक्ट इज़ सेलिंग गुड तो आप सिंपली कुछ डॉलर के इनफैक्ट लॉस के अंदर 1-2 डॉलर्स या आपके 10 डॉलर्स टोटल कॉस्ट आ जाएगी रीसेलिंग की। ऑब्वियसली उसके अंदर ही अपनी कैटेगरी का अनगेट करेंगे, तो बजाय आप 900 अपनी कैटेगरी की अनगेट करने के पे कर रहे हो तो उसके बिहाफ पे आप लोग सिंपली इन सम डॉलर्स आप अपनी कैटेगरी का अनगेट कर सकते हैं। सो हाउ टू फाइंड दोज डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि बेसिकली आपको हेल्प करते हैं। सो देर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड pricemaster.com, ठीक है। आप इसके अंदर जाके इससे वो प्रोडक्ट्स जो अमेज़ॉन के अंदर अवेलेबल हैं आप उनके सिंपली यहाँ पे सर्च करें, और जो भी आपको प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे जो अवेलेबल है वो यहाँ पे मिलता है, सिंपली उसके 10 यूनिट्स परचेज करें और उस प्रोडक्ट को वहाँ पे लिस्ट करें। अमेज़ॉन डू एक्सेप्ट इनवॉइसेस फॉर pricemaster.com एंड फॉर UK इफ़ यू वॉन्ट वन गेट अ कैटेगरी इन UK यू कैन हेड ओवर टू boots.co.uk विच इज़ boots.com बेसिकली। सो आप इसके अंदर जाके भी अपनी परचेजिंग करें। अमेजोन डेफिनेटली बूट्स और प्राइस मास्टर दोनों की इन्वाइसेस को एक्सेप्ट करता है, और इवेंचुअली यू विल गेट योर कैटेगरीज अनगेटेड इंशाल्लाह। सो ये मेथड्स हैं जिसको आप फॉलो करके डेफिनेटली आप डेफिनेटली इसको अपनी कैटेगरीज को अनगेट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। टिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।